अगर आपके पास लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज बेंज, पोर्शे जैसी लग्जरी कार और हार्ले डेविडसन जैसी महंगी बाइक हो तो क्या करेंगे? क्या आप उसे तोड़ फोड़ कर कचरे के ढेर में डाल देंगे? नहीं ना। लेकिन एक शख्स ऐसा है जिसने अपनी आंखों के सामने इन महंगी ब्रांड की कार और बाइक पर बुलडोजर चलवा दिया। दरअसल हम बात कर रहे हैं फिलीपींस की, जो अक्सर सुर्खियों में रहता है अपने राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते की वजह से। कभी मंच पर सरेआम युवती को किस करने वाले रोड्रिगो दुतेर्ते इन दिनों लग्जरी वाहनों पर बुलडोजर चलवाने को लेकर सुर्खियों में हैं। हैरानी की बात तो ये है कि राष्ट्रपति दुतेर्ते ने खुद अपनी आंखों के सामने कागायन प्रांत में इन महंगे वाहनों पर बुलडोजर चलवाया। इससे पहले उन्होंने इन गाड़ियों का मुआयना भी किया। एक तरफ लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, पोर्शे जैसी 37 करोड़ 70 लाख की 76 ब्रांडेड कार और बाइक पर बुलडोजर चला रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ खुद राष्ट्रपति दुतेर्ते गंभीर मुद्रा में बैठकर देख रहे थे। राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने एक सख्त कदम क्रिमिनल एक्टिविटी और करप्शन के खिलाफ कड़ी नीतियों के तहत उठाया। नष्ट किए गए सभी वाहन अवैध तरीके से फिलीपींस में लाए गए थे। सरकार ने इस पर बयान जारी करते हुए कहा कि नष्ट किए गए वाहन उन 800 वाहनों में थे जिन्हें सीज किया गया था। वहीं राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने कहा कि गैर कानूनी तरीकों से लाए गए इन वाहनों को नष्ट करना जरूरी था। अब दुनिया ने देख लिया है कि हमारा देश बिजनेस और निवेश के लिए एक उपयुक्त स्थान है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति दुतेर्ते ने इससे पहले फरवरी में भी 30 लग्जरी कारों को नष्ट करने का आदेश दिया था। दुतेर्ते हमेशा अपने अजीबोगरीब फैसले और बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। अभी जुलाई में उन्होंने बयान दिया था कि अगर कोई ये साबित कर दे कि दुनिया में ईश्वर का अस्तित्व है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे।